करने के बाद, भगवान का भजन करने के बाद, रामचरितमानस में सबसे ज्यादा पवित्र चरित्र किसका माना गया है बताइए माता जी? मंत्रा का। सबसे ज्यादा पवित्र चरित्र किसका माना गया आप बताओ, हम उसी की कथा सुनाएं। मंत्रा की सुनाएं? किसकी? केकई की सुनाएं? केकई अच्छी थी कि बुरी थी पहले आप ये बताओ, है? कुछ तो बोलिए, अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। आप लोग तो बड़े विद्युत श्रोता हैं, आपसे ही तो पूछती हूँ मैं, केकई अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि कोई बूढ़ी माँ कह रही है, बच्चों को तो पता नहीं क्योंकि वो उसमें गंभीरता आई नहीं है अभी। केकई अच्छी थी माता कि बुरी थी? ऐसे ऐसे कर रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छी थी नहीं, अगर अच्छी थी, अगर केकई ना होती तो कोई राम को ब्रह्म बनाने वाला नहीं था। केकई जैसा त्याग, केकई जैसा बलिदान, केकई जैसा परोपकार कोई नारी कर नहीं सकती। लेकिन मेरी माताओं, मैं निवेदन करूं, यदि केकई अच्छी थी, आपसे ही पूछ रही हूं, केकई अच्छी थी? अब आप लोग बड़े दुविधा में पड़ जा रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं अच्छी थी तो आपको पता नहीं, मैं कुछ आपसे ही पूछती हूँ, केकई अच्छी थी तो आज फिर आपने समाज की बहू बेटियों को केकई नाम क्यों नहीं रखा? केकई यदि अच्छी थी, और यदि बुरी थी तो उसको बुरा बनाना चाहिए, उसको तिरस्कारित करना चाहिए? यदि बुरी होती तो स्वयं राम जी ये शब्द ना कहते, दोष दे जननी जड़ तेई, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। आइए मैं निवेदन करूं, समय की परिधि को देखते हुए मैं एक छोटी सी झांकी भगवान की रखूं। क्या राम जी का चरित्र सुनने के बाद, भगवान श्री राम का आदर्श सुनने के बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आचरण सुनने के बाद, हर नारी के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, काश हमारे पति भी कैसे होने चाहिए? माताओं कुछ बोलना पड़ेगा, कैसे होने चाहिए? राम जैसे होने चाहिए। लेकिन आपको भी भगवती सीता का चरित्र सुनने के बाद आपके मन में भी जिज्ञासा होती है कि हमारी पत्नी भी कैसी होनी चाहिए? सीता जैसी होनी चाहिए। बस सिर्फ इन दो शब्दों पर बोल करके वाणी को विराम दूंगी। यदि आप पत्नी सीता जैसी बनाना चाहते हो तो उसके पहले आपको राम जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? राम जैसा बनने के लिए आपको रावण मारना पड़ेगा, सुग्रीव से मित्रता करनी पड़ेगी, आदि आदि करना पड़ेगा? जी नहीं। मेरी माताओं, पूरी रामचरितमानस में आप उठा करके देख लीजिए, सिर्फ दो चौपाई हमारे पुरुष समाज में उतर जाए और दो चौपाई माताओं में हर घर में राम राज जा जाएगा, पूरी रामायण उतारे चाहे ना उतारे। क्या यदि आप अपनी पत्नी को सीता और मेरा गार्गी मांडवी सुतकीर्ति बनाना चाहते हो तो उसके पहले राम बनना पड़ेगा। राम बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले जननी समझाना हो। पर राम जी के पास क्या था और रावण के पास क्या नहीं था? राम जी के पास क्या था? चरित्र था। और रावण के पास क्या नहीं था? कहा जाता ऊंचे गिर से जो गिरे तो मरे एक ही बार, और जो चरित्र से गिर जाए तो बिगड़े जन्म। रामचरितमानस में सबसे पहले मैं तो कहती हूँ, मेरी माताओं, प्यारे बंधुओं, पूरी रामचरितमानस की बात तो छोड़िए, रामचरितमानस का नामकरण ही यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे, जीवन में आप आदर्श बन जाएंगे। क्या है? राम चरित्र और मानस। आप उल्टा पढ़ेंगे तो मानस चरित्र और राम, राम को निकाल दीजिए, मानस को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? चरित्र बचेगा। राम जी के जीवन में क्या था? चरित्र था। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताती हूँ, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी माताओं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका प्रवचन करने गए, वहाँ इस मंच का संचालन हमारे आचार्य जी जो कर रहे हैं, कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला कर रही थी।
और उस महिला ने सबको नंबर दिया पर स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का नंबर नहीं दिया, उनका समय नहीं दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं भी भारत से आया हूँ, बोलने के लिए आया हूँ, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। तो उस अमेरिका की महिला ने कहा आपको इस भगवा वेशभूषा में बोलने का समय नहीं दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? बोले ठीक, मंच के 2 किलोमीटर पर बहुत बढ़िया कपड़े की दुकान है, वहां से 10-50 हजार का बढ़िया कपड़ा खरीदिए। उस कपड़े के जस्ट बगल में दर्जी की दुकान है, वहां पर जाकर के सिलवाइए, कम से कम 1-8 लाख का सूट पहन कर आइए, तब आप इस बोलने के मंच के लायक बन सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने थोड़ा देर तो धैर्य रखा, इसके बाद बड़ा निवेदन किया और कहा सिर्फ मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, और माइक लिया और निवेदन करते हुए कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अमेरिका में रहने वाले अमेरिका के वासियों, तुम्हारे अमेरिका में तुम्हारे व्यक्ति का निर्माण वो दर्जी करता होगा, पर मेरे भारत में मेरे व्यक्ति का निर्माण दर्जी नहीं, व्यक्ति का चरित्र करता है। चरित्र नहीं होगा तो कपड़ा बदलने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने वाला नहीं है। आप चाहे 50 लाख का सूट पहन लीजिए। तब तक किसी दूसरे महापुरुष ने कहा वाह महात्मा, वाह विवेकानंद जी, बात तो देश और विदेश की करते हो पर जूती तो विदेशी पहने हो। स्वामी विवेकानंद जी का फोटो सबने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी पगड़ी लगाते थे, ऐसे हमारे महाराज जी लगाए हैं, पगड़ी लगाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जो मेरे भारत का सम्मान है, जो मेरे भारत का गौरव है, जो मेरे भारत की अस्मिता है, उसे विवेकानंद सिर पर बिठा करके रखता है, और जो तुम्हारी विदेशी संस्कृति है विदेशी जूती से कुचल करके चला जाऊंगा। भारत के व्यक्ति पर व्यक्तित्व पर चरित्र पर आ जाने वाली नहीं है। इसलिए मेरी माताओं रामचरितमानस का राम न उतारिए, मानस न उतारिए, चरित्र उतार लीजिए, जीवन समर जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ हर समाज में, हर गांव में, हर घर में राम राज लाना चाहते हो, हर व्यक्ति राम बनना चाहता है, उसको पूरी रामायण उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चौपाई उतारे। क्या बोले जननी ऐसा में जा नघु पर नारी तो धन पराये बेसे ते बेसे भारी। और आपको सीता बनने के लिए क्या करना है? बोले एक धरा में एक व्रत ने काई बचने मने पति पद प्रेमा। ध्यान देना मेरी माता, यही आपका कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? नारी को पति की सेवा अकेले करने से कल्याण होने वाला। आप लोग सोच रहे होंगे अब किसकी सेवा करनी चाहिए नारी को, पति के साथ में किसकी सेवा करनी चाहिए? ध्यान देना मेरी माताओं, प्यारे बंधुओं, इस सब इसको बड़ी गंभीरता से सोचना। अकेले नारी पति की सेवा करेगी तो पति की सेवा करने से क्या मिलता है? बोले पति की सेवा करने से नारी को शक्ति मिलती है, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है। भक्ति आएगी कहाँ से? बोले नारी पति की सेवा करेगी तो शक्ति मिलेगी, परमात्मा के चरणों में समर्पित रहेगी तो भक्ति मिलेगी, और जिस नारी का पति और परमात्मा के चरणों में समर्पण रहेगा उसको घर बैठे मुक्ति मिल जाएगी, उसको चारों धाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना मेरी माताओं, जो नारी पति को मानती हो परमात्मा को ना मानती हो उसका परिणाम जान लेना क्या होता है, और जो नारी पति को भी मानती हो और परमात्मा को भी मानती हो उसका परिणाम क्या होता है। ध्यान देना मेरी माताओं, पति को मानने वाली परमात्मा को ना मानने वाली वो नारी बताओ। आप भी बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं, माताएं भी बड़े विद्वान हैं, आप वो नारी बताओ जिसने पति को माना परमात्मा को नहीं माना, जिसको अभिमान था कि मैं मेरा सुहाग अमर है, मेरा मांग का सिंदूर कोई उजाड़ नहीं सकता है, मेरे हाथ की मेहंदी कोई उजाड़ नहीं सकता है, मेरे कलाई में पहनी हुई लाल रंग की चूड़ी कोई तोड़ नहीं सकता है, जिसका सुहाग अमर होकर के भी मर गया, और जिसको मारने के लिए जिसका सुहाग उजाड़ने के लिए भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, लेकिन उस नारी का कोई बाल बाका। अब वो बताइए जिसने पति को माना और परमात्मा को नहीं माना,
जिसका सुहाग अमर था लेकिन उजड़ गया, वो कौन नारी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेघना राम। बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की। कहां कथा सुना रही थी? मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। सुलोचना को अपमान था कि मेरा सुहाग अमर है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन सुलोचना ने पति को माना था, परमात्मा को माना था, पति को माना परमात्मा को नहीं माना। एक दिन सुलोचना का सुहाग अमर होकर के भी उजड़ गया। और जब सुलोचना को सुहाग को लक्ष्मण जी के द्वारा बध कर दिया गया, रामचरित मानस का संकेत है, तो बताया जाता है कि सुलोचना के पति का जो शरीर था वो रामादल में ले जाया गया। रामादल में ले जाया गया तो मेरी माताओं, रावण से जाकर के किसी मंत्री ने कहा, महाराज आपके घर की बहू राम जी के दल में जा रही है, थोड़ा रोकिए ना, अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए फिर घर की बहू बेटी जाए तो गलत है ना, उसको रोकिए। रावण ने कहा, मेरे घर से ज्यादा सुरक्षित मेरे घर की बहू उस मेरे दुश्मन के घर में है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। क्योंकि रावण ने कहा उस राम के चरित्र बल में इतनी महान शक्ति है कि रावण कहता है जब मैं नकली राम बनता हूं तो मुझे मेरी पत्नी मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई देती है। जिस नकली राम में इतना चरित्र में इतना बल है, उस असली राम के चरित्र में कितना बल नहीं होगा। मेरी माताओं, मैं निवेदन ये करने जा रही थी कि सुलोचना रामादल में जाती है और राम जी से पूछती है, प्रभु क्या मैं सती नहीं हूं? ध्यान देना, क्या मैं सती नहीं हूं? सतियां कितने प्रकार की होती है जानते हैं आप? सतियां तीन प्रकार की होती है, एक सती, एक परम सती, एक सती शिरोमणि। सती किसे कहते हैं? सती किसे कहते हैं माताओं? बोले सती, एक तो भगवान शंकर की पत्नी का नाम, उनको सती नाम हो करके भी सती कहने की अधिकारिणी, कारण कि ना तो उन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया और ना ही पति की आज्ञा का, कहने लगी कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। ध्यान देना मेरी माताओं, तो बोले सती किसे कहते हैं? बाबा तुलसी ने संकेत दिया, सती उसे कहते हैं जो अपने पति की आज्ञा का, थोड़ा तेज से बोलना, क्या करे पालन। तो हाथ उठाओ माताओं, विदोखर की माताओं, कितनी माताएं पालन करती हैं, भले ही दोनों टाइम आप उनको चाहे डंडे से पीटती हो, लेकिन यहां हाथ उठा देना, नहीं तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, हे भगवान, यहां तो एको पत्नी पालन नहीं करती है, नहीं नहीं, एक माता सिर्फ पालन करती है, बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है एक माता ने हाथ, आप उसको गलत मत सोच लेना, अगर ये हाथ उठा देंगी यहाँ पे महाराज तो घर में जाके इनकी फदियत हो जाए, जे सीता ना बन पे फिर इन्हें सूप नखा बनने पड़े। कारण ये कि ये अगर इन्होंने हाथ उठा दिया और इनके पति ने देख लिया, कहेंगे वहां बड़ी सती अनसुईया बनी गई थे, है ना, इसलिए बेचारी मजबूरी में हाथ दबाए बैठी है कि हम सीता भले ही हैं लेकिन बन नहीं सकते। मैं आपके, देखिए आपका ये संस्कार बता रहा है कि आपका घर के मान मर्यादा से है और आपके बैठने से जो संस्कार झलकता है, मैं आपके संस्कार का बहुत बहुत वंदन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि माताएं अपने पति की आज्ञा का पालन न करती, करती तो है लेकिन मर्यादा में। माताओं, सती उसे कहते हैं जो पति की आज्ञा का पालन करे। परम सती किसे कहते हैं? बोले परम सती उसे कहते हैं जो पति का संकेत पालन करे। और सती शिरोमणि किसे कहते हैं? बोले सती शिरोमणि उसे कहते हैं जो पति के मन में बात बने और पत्नी उसको जाने और जान करके मन की बात लगाए। अगर इन माताओं की कभी पति से झगड़ा हो जाता है ना, तो जानते हैं सबसे पहले क्या कहती है? कहती है हम असल खानदान के हो तो तुमसे पहला बात ही ना करें, है ना, इनको खानदान पहले चलने लगता। मेरी माताओं, सुलोचना रामादल में जाकर पूछती है, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ
जानते हो, मैंने सुना है कि पति के चरणों की सेवा करने वाली, पति के अनुरागनी, पति के चरणों में समर्पित होने वाली नारी कभी सदवा से विधवा नहीं होती है। लेकिन मैं विधवा क्यों हो गई? राम जी से पूछती है, महाराज मेरे साथ अन्याय क्यों हो गया, मेरा सुहाग अमर था वो उजड़ क्यों गया? राम जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारा वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन आप तो ये जानती होगी। सुलोचना ने कहा क्या? बोले जो जन मासो निश्चय नासा, और जो नासासो पुनागे प्रकाशा। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और आप जानती हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता है और शरीर को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आप ये बताइए कि मेरे पति का मरण क्यों हो गया? ध्यान देना मेरी माताओं, प्यारे बंधुओं, राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी सुलोचना, यहाँ युद्ध हमारा और आपका नहीं चल रहा है। आप बताओ, सुलोचना का और राम जी का युद्ध हो रहा था क्या माताओं? नहीं हो रहा था। राम जी ने कहा, देवी सुलोचना, यहाँ हमारा और आपका युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ दो सतियों के सतीत्व का युद्ध। कौन? बोले एक तरफ मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना और दूसरी तरफ लक्ष्मण की पत्नी सती उर्मिला, देवी उर्मिला। अब आप बताओ, यहाँ हमारा और आपका युद्ध हो रहा है। सुलोचना ने कहा, प्रभु उर्मिला उर्मिला सती नहीं, वो तो परम सती है, सती अंशुया, सती सावित्री। बोले हमारा और आपका युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ तो दो देवियों के सतीत्व का युद्ध हो रहा है, एक तरफ मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना और दूसरी तरफ लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला, उर्मिला से युद्ध हो रहा है। सुलोचना ने कहा, प्रभु उर्मिला सती नहीं, वो तो परम सती है। रामचरितमानस में परम सती किसे कहा गया है आप जानते हो? कौन है? बोले परम सती राधित नारी। किसकी पत्नी है परम सती? बोले जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा सती नहीं, वृंदा परम सती है माताओं, ध्यान देना। और तागे बाले तागे ना जिताए पुरारी। वो सती नहीं, परम सती है। सुलोचना ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति का मरण क्यों हो गया। सती अनसुईया, परम सती वृंदा और सती श्रोमणि किसे कहा गया है रामायण में? जो मन की बात को जाने, जिसने अपने पति की मन की बात जाना हो, वो कौन है परम सती श्रोमणि? बताओ आप। बोले पिए घिए की ऐसी जाना निहारी और मड़े मोदरी मने मुदे ते होता। ध्यान देना मेरी माताओं, माता सीता सती नहीं है, परम सती नहीं है। कौन है? बोले सती शिरोमणि है, जिन्होंने अपने पति की मन की बात को जान लिया। कब जान लिया? बोले जब केवट ने नौका से पार उतार दिया। केवट नौका से पार उतारता है, राम जी के मन में भाव था कि मुद्री दे दे, और अगर आपकी बात बता, तुम्हारे ट्रैक्टर की किस्त आ जाए और इन्हें कह दो कि झुमकी दे दो गहने धरिया, कह तुम्हारे बाप की बनवाइया का जन्म दे दे। सीता बनने, सती बनने, परम सती बनने, सती श्रोमणि, अनसुईया बनने, अनसुईया बनने। लेकिन इतने कार्तिक पूजो जात की नहीं पूजो जात? कार्तिक नहाते ना? हाँ महाराज, जब जी कार्तिक सपरे तब इनके तो अलग ही बात। चार चार किलो खूबा उठत हर घर में कार्तिक तिला में। यहाँ की बुराई नहीं कर रही माताओं, वो तो मैं आपकी बात बता रही। कार्तिक में चार चार किलो खोबा उठता है, और महाराज इनके ठाकुर जी खो जात, विदोखर में खोती है ठाकुर जी, दूसरे घाट पे नहाने जाती हो कि नहीं? अरे कुछ तो बताइए माताओं, आप जाते हो ना? हाँ, अगर भगवान खो गए होते तो कभी वृंदावन में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, ऐसे गोप काएं ढूंढती। कहा जाता है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन। लेकिन जब इनके ठाकुर जी खो जात तो जे माताएं कहती, कभे मिलो दीना नाथ,
हमारे और घर के दीनानाथ बेचारे चाहे दोपहरी में चूल्हो फूकत हो, उनकी चिंता नहीं है। जिनके लिए प्रेम प्यारा है उनकी चिंता करती माताओं। मैं आपसे निवेदन करने जा रही थी, मैं माताओं सती अनुसुईया, परम सती वृंदा और सती श्रोमणी भगवती सीता है। सती सुलोचना ने कहा, प्रभु उर्मिला सती नहीं, वो तो परम सती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति का मरण क्यों हो गया। भगवान श्री राम ने कहा, ये बताओ तुम्हें बड़ा अभिमान था कि मेरा सुहाग कभी उजड़ नहीं सकता है, मैं सदवा से कभी विधवा हो नहीं सकती हूँ, मैं सुहागन से कभी अभागिन हो नहीं सकती हूँ, तो ये बताओ तुम्हारे पति की बाहों में कितना बल था, कितनी शक्ति थी, कितना पराक्रम था, बता सकती हो तुम्हारे पति कितने शक्तिशाली थे। सुलोचना ने कहा, हे प्रभु मेरे पति को संसार के लोग मेघनाथ के नाम से कम जानते हैं और इंद्रजीत के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अच्छा, मेरे पति को इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। भगवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सुलोचना अगर तुम्हारा पति इंद्रजीत है तो उर्मिला का पति तो इंद्रजीत है। अब आप बताओ इंद्रजीत बड़ा होता है कि इंद्रजीत बड़ा होता है? तुम्हारे पति ने तो इंद्र को जीता है, उर्मिला के पति ने तो इंद्रियों को। तुम्हारा पति सुलोचना कामी है, उर्मिला का पति बैरागी है। तुम्हारा पति तो भोगी है, उर्मिला का पति तो योगी है। तुम्हारे पति ने तो अधर्मी पिता राजा रावण का साथ दिया है और उर्मिला के पति ने तो धर्म का साथ। जीत अधर्म की नहीं धर्म की होती है, जीत भोगी की नहीं योगी की होती है, जीत कामी की नहीं बैरागी की होती है, जीत इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ की नहीं बल्कि इंद्रियों को जीतने वाले लक्ष्मण की होती है। इसलिए मेरी माताओं मैं आपसे निवेदन ये करने जा रही थी, क्या बोले, ये काई धारा में एक ब्रेथ ने माये बचन मन पति पाद प्रेमा। और वो नारी सबसे उत्तम कुल की होती है कौन? बोले वो उत्तम के असे बसे मन माय। अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का स्वप्न भी ना देखे, कौन सी नारी? बोले वो उत्तम के असे बसे मन माय। तो सपने गो आने पुरुष जगनाही। मेरी माता पर पुरुष की सुंदरता सपने में देखने से भी नारी को दोष। अच्छा, और आप लोग चाहे श्रीदेवी माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय को सपनों देखो तो तुम्हें दोष न लगे है? गलत। मेरी माता अगर आपको भी पराए पुरुष की सुंदरता स्वप्न में देखने से दोष लगता है तो आपको भी पराए स्त्री की सुंदरता स्वप्न में देखने से दोष। क्या कहते हैं रामचरितमानस? बोले मोहे आते साये प्रतीत मन केरी और जम सपना गे पर नारे नगेरी। जे में सपना गे स्वप्न में भी पराए पुरुष की सुंदरता देखने से। मेरी माताओं यदि आपको पाप लगता है तो पुरुषों को भी पराए स्त्री की सुंदरता स्वप्न में देखने से पाप लगता है। लेकिन मेरी माताओं मैं निवेदन करूं, शरीर का पति शरीर होता है कि नहीं होता है? शरीर का नाता शरीर से होता है तो शरीर का पति भी शरीर होता है। आत्मा का पति कौन होता है? आत्मा का पति का नाम का है चंपू के पापा। आत्मा का पति परमात्मा होता है और जिसका नाता उसे परमात्मा से होता है। मेरी माताओं ध्यान देना, शरीर का पति शरीर है, आत्मा का पति परमात्मा है। और उदाहरण में बता दूं, मीरा को देखो, मीरा ने शरीर के पति राणा से परित्याग करके आत्मा के पति परमात्मा से नाता जोड़ा और परमात्मा बाकी बिहारी से नाता जोड़ करके वृंदावन की गली गली में जाकर वो एक ही बात कहती थी। क्या कहती थी? कहती थी मेरे बाके
बिहारी सवरिया। कहती थी क्या, वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और एक ध्यान दें, हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष जो ब्रह्मगानी हैं, वो महाराज जी कहा करते हैं संचालक जी कि जिनको जाना हो वो रुक जाए और जिनको रुकना है वो चले जाए। इसलिए मेरे बांके बिहारी सवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, अति भाव आँख वालों ने तुमको देखा, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उन्हीं ने है पाया। ध्यान देना, भगवान का दर्शन किसे मिला? वो तेरा दर्शन उन्हीं ने है पाया, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उन्हीं ने है पाया, जिनकी आंखों में पर्दा। किस चीज का पर्दा? जिनकी आंख में काम क्रोध लोभ का पर्दा नहीं रहेगा उनको भगवान देखेंगे। लेकिन और लोग पीते गए पी पी के गिरते, ध्यान देना चंद्र बातों पर। क्या लोग पीते हैं? स्लो। लोग पीते गए पी पी के गिरते, लेकिन माताओं हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। ध्यान देना, वो लोग भी पीते हैं और हम भी पीते हैं। एक बार हमने कहा हम लोग भी पी लेते, तो एक माता जी खड़े होकर कहने लगी, तो आप पीते हैं तो शाम को कौन की व्यवस्था कर दे, बउआ वाली की इंग्लिश की? हमने कहा ध्यान देना, आपके पीने में और हमारे पीने में अंतर कितना है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ए अंगूरी वो मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ए अंगूरी वो मदिरा नहीं है, वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा। इसलिए मेरी माताओं, बंद करूं कि चलो? अच्छा, इसलिए पूछना जरूर, क्योंकि भैया हमारे रामानंद जी कह रहे हैं समय को ज्यादा ना लिया जाए। एक बात मेरी ध्यान देना थोड़ा।